नमस्कार दोस्तों, मैथिली विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज अपनी रेसिपी में बनाएंगे हरे प्याज का नाश्ता। मेरे वीडियो को देखने के लिए पहले चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना, तभी तो आप जान पाएंगे हम अपने रेसिपी में क्या बनाए हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने रसोई में बनाने के लिए नाश्ते को। अपने रसोई में आ चुके हैं। पहले हम प्याज का है, हरा पत्ता है हरे प्याज का, इसे हम अच्छे से धो लेते हैं। और भी जो सब्जियां ली हैं उसे भी हम अच्छे से धो लेते हैं। फैला हुआ है इसे भी अच्छे से धो लेते हैं। गाजर लिया है हमने खेत से लिया है, इसे भी धोकर। ना मिर्च है इसे भी धो लेते हैं। अदरक का टुकड़ा है इसे हमने छील लिया है एक इंच का, इसे भी रख लेते हैं। चार हरा मिर्च है, मिर्चा है इसे भी धो लेते हैं। एक हरी धनिया है थोड़ी सी, इसे भी हम रख लेते हैं धोकर। ये हमने थोड़ा सा हरा मटर लिया है, इसे भी अच्छे से हम धो लेते हैं, इसके छिलका उतार लिया है। सभी सब्जियों को हमने धो लिया है। तो पहले हमें हरे प्याज को पत्ते को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे, बहुत बारीक ही काटेंगे ताकि हमारा नाश्ता जो है अच्छा लग बने। इसी तरह हम सभी प्याज के पत्ते को काट लेते हैं चाकू के सहारे से। इसी तरह हम मैंने हरे पत्ते को काट लिया है, अभी इसे धनिया की पत्ती है इसे भी काट लेते हैं। धनिया की पत्ती हमने काट लिया है, अब हरी मिर्च को काट लेती हूँ। हरी मिर्च को हमने काट लिया है, इसे हम रख देते हैं। अब हम इन सब्जियों को काटेंगे। पहले मूली को हम छील लेते हैं। इस तरह हम गाजर को भी हल्का सा छील लेते हैं। गाजर और मूली को छील लिया है, इसे फिर एक बार हम धो लेते हैं अच्छे से। मूली को हमने धो लिया है इस प्लेट से। मूली को हम कद्दूकस कर लेती हूँ। मूली को हमने कद्दूकस कर लिया है, इसी तरह हम गाजर को भी कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस कर लिया है। अभी अदरक है इसे भी कद्दूकस कर लेते हैं। इसी तरह अदरक को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। ये शिमला मिर्च है इसे भी कद्दूकस कर लेती हूँ। शिमला मिर्च है इसे भी कद्दूकस कर लिए हूँ। अब हम चलते हैं, इसे रख देते हैं। जो हरी मटर लिया है इसे भी हम सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। इसी तरह हम मटर को सिलबट्टे पर पीस लेती हूँ। मटर को हमने पीस लिया है। अब हम चूल्हे के पास आ चुके हैं। हमने ये 250 ग्राम प्याज लिया हूँ, ये दो गाजर लिया था, एक मूली ली थी, एक शिमला मिर्च है, एक इंच का टुकड़ा अदरक का, ये लगभग 50 ग्राम हरी मटर है। मैंने 100 ग्राम चावल काटा लिया है, एक लगभग 200 ग्राम बेसन है। हम इन सबको इन सब्जियों में मिक्स करते हैं। सभी सब्जियों को इस तरह से मिला लिया है। हमने सब्जियों को मिला लिया है, इसमें हम मसालों को मिला लेते हैं। ये आधा चम्मच जीरा है, एक चम्मच अजवाइन है, एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच मिर्चा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर। हम सबको इस तरह से मिला लेती हूँ। मसालों को हमने मिला लिया है, इसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी मिला लेते हैं। चावल कांटा है इसे भी। अभी बेसन है इसे भी डालकर हम चावल कांटे और बेसन को अच्छे से इस तरह से हम मिलाते हैं। हमने अच्छे से मिला लिया है। इसमें हमने इसमें पानी नहीं डाला है, ताकि प्याज में है पानी धोया हुआ था इसलिए उसमें पानी था। इसी से हम इसी तरह से इन सबको मिलाया है। देखिए बहुत अच्छा से, पानी की ज़रूरत नहीं लगी हमें।
गीला हो चुका है, इसमें नमक भी डाल दिया है, इसे और गीला हो रहा है। हमने एक चुटकी हींग लिया है, इसे इसी में डाल के मिला देते हैं। हमने सभी सामग्री को मिला ली हूँ, अब इसी का हम बनाएंगे पकौड़ा, भजिया भी कहते हैं लोग। तो हम चलते हैं चूल्हे में आग जलाएंगे। मैंने चूल्हे में आग जला लिया है, अब मैं इस पे रख देती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे रिफाइन का तेल। तेल हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम इसे पकौड़े को इस तरह से हम बना लेते हैं। हमने कई पकौड़े बना लिए हैं, अब देखते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है कि नहीं। कि दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम सभी पकौड़े को इस तरह से हम कढ़ाई में डाल देते हैं तलने के लिए। हमें धीमी आंच में ही पकाना है, इसे तलना है, ज़्यादा तेज आंच नहीं करेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। हम देख लेते हैं कच्छी से इसे हम पलट देते हैं, दोनों तरफ अच्छे से तलेंगे, पलट के इसे इस तरह से कच्छी से कि पकौड़े हमारे अच्छे से तल चुके हैं बहुत अच्छा से। देखिए कलर, इसका कलर जो है एकदम चेंज हो चुका है, इसे हम निकाल देते हैं थाली में। मैंने कढ़ाई में से पकौड़े को निकाल लिया है, दूसरा घान भी इस तरह से हम बनाए थे, इसे भी कढ़ाई में तलने के लिए डाल देते हैं। हम सारे पकौड़े बना लेते हैं, बनाएंगे। हमने सभी पकौड़ों को इसी तरह तल ली हूँ। देखिए दोस्तों नाश्ता जो बनकर तैयार हो चुका है, बहुत अच्छा बना है। देखिए बहुत अच्छा पका है, अंदर से भी देखिए बहुत ही बहुत अच्छा से पक चुका है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों हम आज की हमारी रेसिपी यही थी, प्याज के, हरे प्याज के ये पकौड़े जो है बहुत स्वादिष्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग इस प्रकार एक बार बना कर ज़रूर खाइएगा। कि दोस्तों मैंने नाश्ते को परोस दिया है, आप इसे हरी चटनी से भी खा सकते हैं, मीठी चटनी से भी खा सकते हैं, आप चाहें तो दही से भी खा सकते हैं। तो हमने हरी चटनी बनाई है, इसी से परोसी हूँ। दोस्तों हमारा वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, जो आपने कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।